Hey friends, welcome in AMAZE GYAN. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं how to score 701 out of 720 in very less time. हाँ friends, अगर आप चाहें तो इस स्कोर को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर सकते हैं. और उससे पहले एक बार ध्यान रखिए कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे. आपको हमेशा नेगेटिव बातें बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, कि इतने बच्चे कोचिंग करके भी नहीं कर पाते तो तू कैसे करेगा, या कोई भी रीज़न हो सकता है जो आपको डीमोटिवेट कर दे. तो एक बात ध्यान रखें कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और इन लोगों को जितना हो सके इनसे दूर रहना है. और अपने आपको एक ही लाइन कहनी है, आई कैन डू इट. हाँ फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है. तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान रखिए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और जब तक आप चाहें उस काम को कर सकते हैं. जब तक आप उसे डिफिकल्ट नहीं समझते, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता. अब हम बात करते हैं कि आप 701 आउट ऑफ 720 कैसे स्कोर करेंगे. फ्रेंड्स, आपने नलिन खांडेलवाल का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने नीट यूजी 2019 में टॉप किया है और इनके 701 आउट ऑफ 720 में से 701 स्कोर किया था इन्होंने. और ये बहुत बड़ी बात है, और इनकी ही वो टिप्स और स्ट्रैटेजी जो इन्होंने फॉलो की और इतना अच्छा स्कोर किया, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट, फोकस ऑन लिमिटेड बुक्स. हाँ फ्रेंड्स, ये तो सच है कि जितना ज़्यादा बुक्स हमारे पास होती हैं, उतना ही डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती. तो ये बात ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है और उसी से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एम्स और नीट एग्ज़ाम के अंदर एनसीईआरटी 80% सिलेबस कवर करती है. तो 80% को पहले करना ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू 20%. और जितना हो सके एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए. और एक बात ध्यान रखिए कि एक बुक को 10 times पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू 10 books को आप 10 times पढ़ रहे हैं. तो प्लीज़ सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसे उसका एक भी वर्ड मत छोड़िए, उसे अच्छे से कर लीजिए. यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा. सेकेंड इज़ टाइम मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट में आपका सेल्फ स्टडी का टाइम सबसे ज़्यादा होना चाहिए. हाँ फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बहुत ही मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के लिए. और आपको जितना हो सके फुल अटेंशन के साथ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है. और हो सके आप कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप वीडियोस से देख के सीखते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. पर आपको 8 hours सेल्फ स्टडी को एक दिन में देना ही होगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये गोल्डन रूल है नलिन खांडेलवाल की सक्सेस का. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, 8 hours को 8 hours ओनली फॉर सेल्फ स्टडी, इस बात को ध्यान रखिए. और इन 8 hours में आपको 3 hours सिर्फ प्रैक्टिस सॉल्विंग में देना है. आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के इक्वल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट पेपर के बारे में, कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, सो आप एक बार ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी प्रैक्टिस पहले करनी ज़रूरी होती है. सो डेली एक क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. इससे आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर के अंदर. सो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बायोलॉजी को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है बायोलॉजी, और उसके अंदर क्वेश्चन 90 आते हैं. और यदि आप उसे ख़त्म करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. सो बायोलॉजी को आप 45 minutes में ख़त्म कर लीजिए, या कोशिश कीजिए ऐसे में आप ख़त्म कर दें. और केमिस्ट्री को आप 45 minutes दे सकते हैं. उसके बाद फिजिक्स के लिए आपको कम से कम 90 minutes सेव करके रखना है, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी रैंक डिसाइड भी करता है. सो प्लीज़ फिजिक्स को ढंग से कीजिए, लेकिन इसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में करने से इससे आपको थोड़ी स्ट्रेस हो सकता है. सो प्लीज़ फिजिक्स को लास्ट में कीजिए तो अच्छा होगा, और 90 minutes एटलीस्ट उसके लिए सेव कर लीजिए. और फ्रेंड्स, थर्ड टिप इज़ कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए. क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपका लाइफ का गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सबसे दूर रहना होगा. आपको कम से कम जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, जब तक तो इनसे दूरी बना के रखनी होगी. प्लीज़ फ्रेंड्स, जितना हो सके इनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए. अगर आपको पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, तो आप कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इन्हें दूर ही रखिए. और 8 hours सिर्फ सेल्फ स्टडी को दीजिए. और फ्रेंड्स, अगर आपको फिजिक्स की तैयारी करने में दिक्कत होती है, सो आप मेरी फिजिक्स की तैयारी कैसे करें वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है.
और फिजिक्स को आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। तो मैंने आपको एक बुक की लिंक भी दी है जिसके अंदर 31 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और सॉल्व हैं ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ इस बुक को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये वाली बुक्स भी कर लेते हैं तो आपके लिए आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे और आपका सलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार इस बुक को चेकआउट ज़रूर कीजिए और हो सके तो इसे परचेज कर लीजिए। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं सो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। मैं एटलीस्ट 5000 लाइक्स का एम रखती हूँ और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी और उसी पे वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिए, इससे मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अमेज़ ज्ञान एंड हिट द बेल आइकन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।